coming on to third concept and the last concept, that is accrual. Accrual को याद रखने का एक अच्छा तरीके से actual से याद रखिए, ठीक है? Now according to this concept, accrual concept, revenues and expenses. Revenue का मतलब जो भी आप collection कर रहे हो पैसे का, and expenses जो भी आप खर्चा कर रहे हो. Revenue and expenses are recorded कि कोई भी कमाई हो या कोई भी खर्चा हो उसे आप रिकॉर्ड करेंगे एट द टाइम ऑफ अक्रेंस कि जिस तारीख को काम हो रहा है, जिस तारीख को लेन देन हो रहा है, rather than when the actual cash is received or paid. ये नहीं कि पैसा जिस दिन मिला उसे रिकॉर्ड करें. थोड़ा समझ के देखते हैं. सपोज दैट मैंने 1 जनवरी को सामान बेचा, ठीक है, उधार पे, और उसका पैसा मुझे मिलता है इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है, जनवरी में हम सामान बेच रहे हैं और मई में उसका पैसा मिलता है. तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि आपको जो एंट्री बनानी है वो जनवरी के दिन बनानी है, मई में नहीं बनानी, ठीक है. रीजन बिहाइंड दैट कि अगर आप जिस तारीख को काम हो रहा है उस तारीख को रिकॉर्ड नहीं करते हो तो फिर एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का आपको पता नहीं चलेगा. आपको नहीं पता चलेगा कि इस साल की कमाई कितनी, क्योंकि सामान तो आपने जनवरी में बेच दिया, खाते क्लोज हुए मार्च में, पैसा मिला मई में, तो जो हिसाब किताब था, जो सेल परचेज थी, तो पिछले साल की थी जनवरी वाले की, और आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हो पैसा मिलने पर इन द मंथ ऑफ मे, तो वो पैसा प्रॉफिट माना जाएगा मई के महीने का, जो नेक्स्ट ईयर माना जाता है क्योंकि अप्रैल से हम साल स्टार्ट करते हैं. तो एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि जिस तारीख को काम हो रहा है, फिर वो चाहे नगद हो या उधार, आप सामान कैश बेसिस पे बेचो या क्रेडिट बेसिस पे बेचो, लेकिन एंट्री करोगे उस दिन जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी. ये नहीं कि जिस दिन पैसा मिल रहा है उस दिन आप दिखाओ कि हाँ भी सामान बिक रहा है, नहीं, सामान आप बिका हुआ दिखा दीजिए, नगद बिक रहा है नगद दिखा दो, उधार बिक रहा है उधार दिखा दो, फिर जिस तारीख को पैसा मिलेगा उस तारीख को पैसा मिलने की एंट्री दिखा दो. लेकिन बहुत से समय पहले जब हम, दो मेथड होते हैं अकाउंटिंग के, एक्रूअल बेसिस एक कैश बेसिस. पहले के जमाने में कैश बेसिस चलता था. कैश बेसिस का मतलब जिस तारीख को पैसा मिलेगा उसी तारीख को एंट्री बनाएंगे. अब सामान बिका पिछले साल, पैसा दिया अगले साल, तो एंट्री अगले साल बनते हैं, जबकि हिसाब किताब तो पहले हो चुका है, काम तो पहले हो चुका है, लेकिन पहले उसकी एंट्री कब बनाते थे, जब पैसा मिलता था. तो उस तरीके को फॉलो करके किसी भी स्पेसिफिक ईयर के एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल हुआ करता. तो उसी मुश्किल को आसान करने के लिए कि हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का प्रॉफिट या लॉस पता लगा सकें, उसके लिए हमने मेथड स्टार्ट किया एक्रूअल. एक्रूअल मींस एक्चुअल, जिस तारीख को काम हुआ उस तारीख को आके सामान आपको रिकॉर्ड कर देना, एंट्री बना देना. ये नहीं कि आप वेट कर रहे हैं कि हाँ भाई जब पैसा मिलेगा तब एंट्री करें. सो दिस इज योर लास्ट कंसेप्ट, एक्रूअल. थिंग्स और ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ अकरेंस, नॉट एट द टाइम ऑफ रिसीविंग और पेइंग द अमाउंट.